कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। वो 1000 हिंदुस्तानी से एक पाकिस्तानी अकेला टकरा सकता है। अच्छा दोस्तों, फाइनली गदर 2 मूवी सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है और रिलीज होते ही पूरे इंडिया में तहलका मचा हुआ है और वहीं सनी पाजी की दहाड़ ने पूरे पाकिस्तान को हिला डाला। गदर 2 मूवी के शो पूरे फूल जा रहे हैं और मूवी देखने के बाद पब्लिक का रिएक्शन कुछ ऐसा रहा। सनी देओल और अमीषा पटेल की मूवी ने सबका दिल जीत लिया। जिस तरह गदर एक प्रेम कथा में सनी पाजी ने हैंड पंप उखाड़कर पाकिस्तानियों को धोया था, वैसे ही गदर 2 मूवी में भी सनी पाजी हैंड पंप उखाड़ते दिखाई दे रहे हैं। शहर के सभी थिएटर फुल जा रहे हैं और लोगों को टिकट भी मिलना मुश्किल हो गया है। गदर 2 मूवी 1971 में हुई इंडिया वर्सेज पाकिस्तान के वार की स्टोरी पर बेस्ड है और इस मूवी का एक डायलॉग काफी तेजी से वायरल हो रहा है। अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिले ना हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। और जब इस डायलॉग को पाकिस्तान की पब्लिक से पूछा गया कि यदि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बॉर्डर खुल जाएं तो क्या आप इंडिया जाएंगे, तो उन लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा था। चारों बॉर्डर चारों तरफ से खोल दिए जाएं और आजादी दे दी जाए कि पाकिस्तान के लोग जहां जाना चाहें जा सकते हैं। इंडिया में भी जाते हैं या नहीं जाते एक अलग मैटर है, लेकिन ईमानदारी से बताएं, पाकिस्तान से बड़ी तादाद में लोग बाहर जाएंगे? जी चले जाएंगे। क्यों जाना चाहते हैं? आप बाहर जाना चाहते हैं? बाहर जाना चाहते हैं? देखें जी, 70-80 साल का बुजुर्ग भी जाए, ईमानदारी से बताएं, बाहर जाना चाहते हैं या इधर ठीक है? नहीं, बाहर ठीक। और जाए भी क्यों ना, पाकिस्तान की हालत इस टाइम काफी ज्यादा खराब चल रही है और लोग भूखे मर रहे हैं। पाकिस्तान में ना ही रोजगार है और ना ही शिक्षा है और ना ही कोई कंपनी वहाँ अपना प्लांट लगा रही है। पूरा पाकिस्तान IMF के लोन पर चल रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2023 में 2,00,000 से ज्यादा पाकिस्तानी देश छोड़कर चले गए और वहीं कुछ लोगों का कहना है कि गदर 2 मूवी बकवास मूवी है, यह मूवी सिर्फ पाकिस्तानियों को नीचा दिखाने के लिए बनाई जाती है और बॉर्डर खुलने पर पाकिस्तान के लोग नहीं इंडिया के लोग पाकिस्तान में आएंगे। जहां एक तरफ गदर 2 मूवी को लेकर इसका विरोध चल रहा है, वहीं कुछ लोग इस मूवी का सपोर्ट कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि यह एक मूवी है और मूवी एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है, हम लोग इसे एज ए फन के तौर पर देखना पसंद करेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब 2001 में गदर एक प्रेम कथा मूवी रिलीज हुई थी, तब वह पाकिस्तान में भी रिलीज हुई थी, पर रिलेशनशिप सही न होने के कारण इंडिया की कोई भी मूवी अब पाकिस्तान में रिलीज नहीं होती है। रिलीज होने से पहले गदर 2 मूवी की एडवांस बुकिंग 35 करोड़ रुपए की हुई थी और रिलीज होने के बाद पहले दिन इस मूवी ने 41 करोड़ रुपए की ग्रैंड ओपनिंग की है। और जब पाकिस्तान से ये भी पूछा गया कि इंडिया से जितने भी वार हुए हैं, पाकिस्तान ने कितने वार इंडिया से जीते हैं, और पाकिस्तान की पब्लिक ने कुछ ये कहा। चार जंगें हुई हैं जिसके अंदर कितनी हम जीते कितनी हारे आपको पता है? अल्हम्दुलिल्लाह, जितना मेरे इलम में है तो जितनी हमारी जंगें हुई हैं इसमें अक्सर में हम जीते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के जितने भी वार हुए हैं, सभी वार इंडिया ने जीते हैं। तो यार, आप लोग गदर 2 के डायलॉग से कितने सहमत हैं और आप लोगों को गदर 2 मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।